तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूरू सांसद राहुल कस्वा आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां पर चूरू के सांसद राहुल कस्वा आज कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले। तो सुबह 11:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस वो ज्वाइन कर लेंगे। तो भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं अब राहुल कस्वा। तो चूरू लोकसभा सीट से टिकट कटने से वो काफी नाराज बताए जा रहे थे और अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कहा जाए, लोकसभा चुनाव एक तो नजदीक है, उससे पहले ही सांसद हो या फिर नेता इधर उधर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि राहुल कस्वा जो थे चूरू से सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, और ये जो 15 सीटों का ऐलान किया गया भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की, उसमें उनका नाम नहीं था। और क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर में जो वहाँ के स्थानीय विधायक थे राजेंद्र राठौड़, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है, और पिछली जब सरकार थी कांग्रेस में उसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे, तो निश्चित तौर पर क्योंकि राहुल कस्वा के ऊपर में राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया था कि इस बार मैं जयचंदो के चक्कर में हार गया हूँ, तो राहुल कस्वा ने सोशल मीडिया के माध्यम से राजेंद्र राठौड़ से पूछा था कि आखिर जयचंद कौन है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को राजेंद्र राठौड़ का कद बड़ा है नेता में, इसीलिए उनके कहने पर, क्योंकि राहुल कस्वा का यही आरोप है कि उनके कहने पर मेरा टिकट काटा गया, लेकिन मैं हमेशा चूरू की जनता की सेवा करता हुआ आया हूँ, इसीलिए जो है जो मेरी जनता सर्वप्रवाह से मुझे आदेश करेगी और मैं उस आदेश के तहत काम करूंगा। और उसी कड़ी के अंदर में कांग्रेस के बड़े नेता, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं पर पाला बदलने का वो लगाते हैं, और लेकिन क्योंकि राहुल कस्वा बेदाग छवि के नेता माने जाते हैं, तो वो कांग्रेस के टिकट पर चूरू से चुनाव लड़ सकते हैं। जो कांग्रेस से नेता बीजेपी में जाते हैं उनके साथ तो प्रॉब्लम ईडी सीबीआई की है, वो अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन राहुल कस्वा बेदाग छवि के नेता है, इसीलिए वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और चूरू से वो लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन लेकिन मनोज, क्या ये कहा जा सकता है कि राहुल ने काफी जल्दी कर दी, क्योंकि अभी दूसरी लिस्ट भी जारी होने वाली है, नामों पर मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है, और उससे पहले ही वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए अभी क्योंकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि राहुल कस्वा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो आज दिल्ली में, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको देखते हुए राहुल गांधी अचानक जो है अपनी यात्रा को एक दिन छोड़कर वो दिल्ली आ गए हैं, और क्योंकि राहुल कस्वा हो सकता है कि आज दिल्ली में है तो वहां ज्वाइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि चूरू विधानसभा लोकसभा सीट का ऐलान हो चुका है, क्योंकि वहां से गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी थे देवेंद्र झंझड़िया, उनको टिकट फाइनल कर दिया गया है, इसीलिए इस तरह का समीकरण बैठा है। तब राहुल कस्वा ने आम जनता और लोगों से अपील की कि मैं इतने साल तक सेवा करते हुए आया और पार्टी ने हमें क्या दिया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर में एक भावनात्मक एक संदेश लिखा था कि आखिर मेरी गलती क्या है, क्या मैं भ्रष्टाचारी हूँ, क्या मैं लोगों से पैसा खाता हूँ, तो ऐसे वो तमाम चीजें थी जिस पर राहुल कस्वा ने। तो मनोज, बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका उनके, अगर देखा जाए तो उनकी चीजों के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक बेदाग अगर नेता पार्टी छोड़ देता है तो कई सवाल पार्टी पर भी खड़े हो जाते हैं। उनकी छवि के लिए कितना बड़ा झटका है बीजेपी की छवि के लिए, क्योंकि उसमें अब बात यहाँ पर यह आ रही है मनोज कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता ईडी सीबीआई की रेड से डर कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी क्यों ज्वाइन करवा रही है, कहीं ना कहीं उनकी छवि पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बीजेपी की छवि पे भी, क्योंकि आपको बता दूंगा जिस प्रकार से कल तकरीबन इतने सारे नेता कांग्रेस के, जिनका नाम लेना अभी उचित नहीं है, जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है, वो सारे नेता जो थे मौका परस्त थे हमारी भाषा में अगर कहा जाए, क्योंकि वो सारे ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी में, क्योंकि जो लालचंद कटारिया जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, सांसद का चुनाव लड़वाया, वो दो बार के विधायक रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन उनके वो कहते हैं धृतराष्ट्र महाभारत के अंदर में पुत्र मोह में अंधा था और इसने महाभारत का युद्ध छेड़ दिया, तो ये तमाम जो नेता आज गए हैं वो धृतराष्ट्र पुत्र मोह में गए हैं, कहीं ना कहीं इनके पत्रों के खिलाफ और खुद के खिलाफ जो है लगातार ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी और लगातार
लगातार ये भारतीय जनता पार्टी को कोस कोस की गाली बक रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा को साइड करते हुए इन नेताओं को जो बीजेपी ज्वाइन करवाई है, कहीं ना कहीं आम जो कार्यकर्ता है उनमें अंदर ही अंदर एक चिरंगारी सुलगती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और गलत मैसेज जनता पर भी जा रहा है। बिल्कुल, और अगर राहुल कस्वा अगर बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो सीधे सीधे एक बेदाग नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऊपर से बीजेपी के छवि पर भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए मनोज।